स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज फिर से मैं एक स्पेशल टॉपिक्स लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन लेवल्स इन नॉर्थ इंडिया एट 20 ईयर्स लो एमाइड लॉकडाउन, ये आज का हमारा स्पेशल टॉपिक्स है। इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले मैं ग्लोबल वार्मिंग बताऊंगा, फिर एरोसोल बताऊंगा, फिर दोनों को इस चीज़ से रिलेट करूंगा, इस टॉपिक्स के से रिलेट करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए हमारे टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग समझिएगा, मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग समझिएगा, मान लो ये एक पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी का टेम्परेचर इसके एवरेज टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्या होगा? मतलब राइज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, मतलब जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से क्या हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। उसके वजह से क्या होंगे आपको मैं वो भी बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर है, इतना मोटा परत है। अब क्या होगा कि इसके वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी क्या होगा, इस ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा। मतलब ओजोन लेयर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, पतला होते जाएगा, और अभी हो भी गया है बहुत ज़्यादा, ठीक ना, अभी हो भी गया है, जिसके वजह से जो सूरज की किरण है, क्या है, जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, समझना, ठीक है। पहले क्या था कि ओजोन लेयर मोटा परत था, डिप्लेशन नहीं था। उस वक्त क्या था कि सन रेज का जो हानिकारक किरण थे वो पृथ्वी पर नहीं आते थे, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता था ओजोन लेयर ठीक है। और जो मतलब अच्छे रेज थे वो पृथ्वी पर आते थे, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसका मतलब इसका ओजोन लेयर का डिप्लेशन, धीरे धीरे डिप्लीट होना, मतलब परत होना। तो अब क्या होगा कि जो हानिकारक सनरेज भी होंगे वो पृथ्वी पर आएंगे। कहाँ आएंगे? पृथ्वी पर आएंगे। तो ये मेन रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सनरेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहे हैं अब, ठीक है, तो क्या होगा, गर्म ज़्यादा होगा। अब क्या रीजन है आखिर इस ओजोन लेयर का डिप्लीट होने का, मैं वो भी बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर क्या रीजन है ओजोन लेयर का डिप्लीट होने का। पहला बात तो अभी बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्री खुले हैं। क्या खुले? लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज खुले हैं, ठीक है, जहां कार्बन्स जलते हैं, ठीक ना, फॉसिल फ्यूल्स कोल बर्निंग, ठीक है, पावर प्लांट लार्ज स्केल में है। सबसे बड़ा मेन जो पावर प्लांट ही पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक ना, सबसे ज़्यादा कार्बन CO2 की वजह से ये होता है। और CO2 इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, कोल बर्निंग, यही सब के वजह से होता है। लार्ज स्केल में जब CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक ना, बढ़ जाती है, मतलब तब क्या होता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग होता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही इसके पीछे नहीं है रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन बहुत बड़ा मेजर रीजन है, 64% कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। और अगर हम बात करें मीथेन की, CH4 की, तो ये 70% हो रहती है। और अगर हम बात करें NO2 की, तो ये 6% रहती है। मतलब मेजर रीजन है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, हमारा इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ने का मेन रीजन है, जिसके वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हीकल्स चल रहे हैं, 4-व्हीलर्स, 2-व्हीलर, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, जिसके वजह से कार्बन निकल रही है, जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है। अर्थ के ओशियन का टेम्परेचर बढ़ रहा है,
जिसके वजह से इन्वायरमेंट, तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम एरोसोल पे कि हमारा एरोसोल क्या है उस पर बात करते हैं और दोनों को रिलेट करते हैं कि आखिर एरोसोल क्या है। ठीक है, तो चलिए एरोसोल के बारे में, व्हाट इज एरोसोल। मैंने आपको ये बता दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। एरोसोल देखिए, एरोसोल एक्चुअली फ्रेंड होता है क्या कि जो टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो एयर में मौजूद रहते हैं। टिनी पार्टिकल्स इन एयर मतलब एयर में मौजूद रहते हैं। अब जानते हैं कि एयर में मौजूद किसकी वजह से ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, किसकी वजह से होते हैं वो जानते हैं, तो वो जान लेते हैं। मेन कारण होता है फ्रेंड कि सी जो सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट की वजह से, ठीक है, डस्ट की वजह से, वोल्केनिक एशेस की वजह से, ठीक है, मेन कारण टिनी पार्टिकल्स का जो छोटे छोटे कण होते हैं हमारे एयर में मौजूद होते हैं उनका मेन कारण होता है सी सॉल्ट, डस्ट और वोल्केनिक एशेस। ये हमारा मेन कारण होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 90% जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर में मौजूद, ठीक है, वो नेचुरली होते हैं। जैसे नेचुरली में मैं बता दूं, डिजर्ट डस्ट हो गया, जितने भी डिजर्ट डस्ट हैं वो उड़ते हैं। मान लो समर आया, मान लो गर्मी आया, मान लो हवा बहुत तेज़ी चल रहा है, तेज से हवा चल रहा है, ठीक है, तो विंड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसका मतलब डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, हमारे एयर में मौजूद हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ वोल्केनिक एसेस भी हो गया, वोल्केनिक एसेस, ठीक है, वोल्केनिक एसेस मतलब ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी फटा तो आप देखते हैं कि मिलियंस टन्स में उसके एसेस गिरते हैं, ठीक ना, उसके वजह से भी एयर में पार्टिकल्स छोटे छोटे मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी। फिर फॉरेस्ट फायर्स हो गया, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, तो इनकी वजह से 90% नेचुरली एयर में टिनी पार्टिकल्स मौजूद रहता है। दूसरा रीजन, अगर 10% की अगर हम बात करें, 10% की अगर हम किस चीज़ का 10% का बात करें, तो 10% होता है फॉसिल्स फ्यूल्स की वजह से, जो हम लोग जलाते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स की वजह से। बात कर लें बायोमास की वजह से, बायोमास की वजह से, तो इनकी वजह से जो पोल्यूशन होते हैं वो 10% होते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा, क्या हुआ, एरोसोल हुआ, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर ये एरोसोल किस तरह कैसे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पहुंचाती है, तो ये स्लाइड मैं आपके लिए, आप देखिए, एरोसोल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अर्थ क्लाइमेट, मोस्ट एरोसोल्स आर ब्राइटर देन लैंड और ओशियन एंड कूल द अर्थ वाई रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक टू स्पेस। मैं ये समझाने आपको जा रहा हूँ कि एरोसोल्स कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट पहुँचाती है। तो समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, एरोसोल्स अगर हमारे क्लाइमेट में अगर ज़्यादा रहे फ्रेंड, अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, डेंस हो जाता है, जो घने बादल जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। क्या होता है, पहले समझिएगा, घना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन रेज होते हैं ना वो मतलब पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। क्या होता है, सन रेज हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं, और एरोसोल्स मेन कारण होता है ग्लोबल कूलिंग का। किस चीज़ का, ग्लोबल कूलिंग का मेन कारण एरोसोल्स ही होता है। सिर्फ एरोसोल्स में एक चीज़ है, एक एरोसोल है सूट, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एरोसोल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, एरोसोल्स की वजह से क्या होती है, ग्लोबल कूलिंग होती है। क्या होती है, ग्लोबल कूलिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना, इसी की वजह से ना ग्लोबल कूलिंग होती है। तो क्या होता है ना, क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब घना हो जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारे सनलाइट का जो रेज होता है ना वो मतलब स्कैटर कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है हर जगह, जिसकी वजह से नहीं आ पाता है हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर नहीं आ पाता है। इसलिए कभी कभी देखिएगा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही कूल रहेगा, और ख़ास करके इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल रहता है, इसी को बोलते हैं एरोसोल। इम्पैक्ट क्या करता है कि ग्लोबल कूलिंग सबसे ज़्यादा होता है, ग्लोबल कूलिंग का इम्पैक्ट इसमें होता है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ का, अगर मैं आपको इमेज में दिखाऊं, तो देखिए एरोसोल्स एंड इनकमिंग लाइट डायरेक्ट इफेक्ट, देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा घना क्लाउड है, ठीक है, ये हमारा घना क्लाउड है। अब देखिएगा
ये सनलाइट का रेज है जो आ रही है, यहाँ पे आई, ठीक है। अब क्या करेगा, ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स जो पार्टिकल्स हैं, कहीं से भी निकला हो, चाहे सी सॉल्ट्स का हो, चाहे डस्ट का हो, चाहे वॉल्केनिक एसेस का हो, ये क्या करेगा, ये सनलाइट के रेज को रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी और पृथ्वी तक नहीं आने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कूलिंग होगा, ग्लोबल कूलिंग होगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्लोबल कूलिंग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस इमेज की तो मैं आपको दिखाऊं, ठीक ना, ये देखिए ये एटमॉस्फेरिक हीटिंग का है और ये देखिए एटमॉस्फेरिक कूलिंग का है। एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है, मतलब सनलाइट डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही है और वार्म हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ये है। मतलब एरोसोल कम मौजूद है, मतलब कहाँ, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में एरोसोल क्लाइमेट में कम मौजूद है, तो ये देखिए जिसके वजह से वार्म हो रहा है। अब देखिए एरोसोल्स कितना ज़्यादा यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से ये सरफेस कूलिंग है। तो मैंने दोनों में आपको अंतर बताया। अब हम इसमें और आपको हम बताते हैं कि आखिर एरोसोल्स किस तरह से और हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट पहुंचाती है। अगर एरोसोल्स ज़्यादा है हमारे क्लाइमेट में, ध्यान से सुनिएगा, अगर एरोसोल्स ज़्यादा है हमारे क्लाइमेट में तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकलेगा कि विजिबिलिटी बहुत ही कम होगी। क्या होगी, अगर एरोसोल्स ज़्यादा है क्लाइमेट में तो विजिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। मतलब आप देखिएगा कि घना बादल है, ठीक है, तो देखिएगा रात में भी अगर आप देख रहे होंगे, अभी नहीं, अभी तो लॉकडाउन है, उसी पे आधारित ये टॉपिक से, ठीक ना, आप देखते होंगे तो घना बादल ज़्यादा आप रात में देखते होंगे, तो आपको जो स्टार्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देते होंगे, या कभी भी आप देखते होंगे आसमान में तो आपको अच्छे तरीके से विजिबिलिटी नहीं दिखाई देता होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू एरोसोल्स, एरोसोल्स की वजह से आपको नहीं दिखाई देते हैं वो चीज़। मतलब अगर एरोसोल्स ज़्यादा है तो विजिबिलिटी नहीं आपका होगा, अगर एरोसोल्स कम है तो विजिबिलिटी ज़्यादा होगा, कम होगा विजिबिलिटी, बेटर विजिबिलिटी होगा, ठीक है। तो इतना बात। दूसरी चीज़ ये हमारे क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट पहुंचाती है, मैं वो भी बता दूं कि जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल मतलब स्लो हो जाएगा, मतलब कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कभी होना होगा तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट पहुंचाती है इंडिया एंड चाइना को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड का प्रोड्यूस यहीं होता है, इंडिया और चाइना में ही होता है, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं इसमें आपको ये भी बता दूं, अगर बात करते हैं, इधर आ जाइए, अगर आप बात करते हैं तो दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि एरोसोल्स लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ह्यूमन लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है ना। अगर एरोसोल्स ज़्यादा है तो ह्यूमन लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ह्यूमन को हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पहुँचाता है, ठीक ना, एरोसोल्स इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इधर देखिए, अब आप जान गए सब कुछ एरोसोल्स के बारे में, अब आते हैं अपना मेन टॉपिक्स पर, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, आप देखिएगा, ये देखिए, एरोसोल्स आर टिनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर डैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड कैन डैमेज द ह्यूमन लंग्स एंड हार्ट्स। जैसा कि मैंने बोला कि एरोसोल्स एक टिनी सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल से जो रिड्यूस करती है विजिबिलिटी को, मतलब ज़्यादा एरोसोल मतलब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इधर देखिए, ठीक ना, नासा का एक टेरा सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट है, इस टेरे सैटेलाइट ने क्या देखा, देखा क्या कि मतलब जो मतलब एरोसोल्स हैं एयर में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मतलब विजिबिलिटी बेटर हो गया है, ठीक है। यहाँ से समझिएगा कि टेरा सैटेलाइट है नासा का, उसने क्या देखा कि बेटर विजिबिलिटी हो गया, मतलब एरोसोल इन्वायरमेंट में कम हो गया। अब आ रहे हैं टॉपिक पर कि क्यों कम हो गया, तो क्यों कम हो गया, अभी सब जगह क्या है फ्रेंड, लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ना, मतलब डस्ट यूज हो, डस्ट निकल पा रहा है ज़्यादा ना, पॉल्यूशन हो पा रहा है, कोई भी गतिविधियाँ नहीं हो, विद्या नहीं हो,
गतिविधि नहीं हो पा रही है, कोई भी चीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। जिसके वजह से ना क्या होगा कि पार्टिकल पार्टिकल किसके वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो पार्टिकल क्या होगा, कम गया एयर में, कम गया एयर में। इसलिए क्या हुआ कि आजकल आप लोग देखिएगा या कोई भी देखेगा तो आज क्या होगा कि देखिएगा कि आसमान कितना क्लीन नज़र आता है। क्लीन इसलिए नज़र आता है क्योंकि विजुअल एरोसोल्स क्या हैं, कम गए हैं, ठीक है। तो टेरा सैटेलाइट नासा का है, उसने देखा कि मतलब एरोसोल्स इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कम गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बेटर विजिबिलिटी हो गया है, बेटर विजिबिलिटी हो गया है। तीसरी चीज़, इसका पॉजिटिव व्यू मैं आपको बता दूं, इसका पॉजिटिव व्यू क्या है, इसका पॉजिटिव व्यू है कि इसका ह्यूमन हेल्थ अच्छा रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हार्ट का जो डिजीज था डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक नहीं आएगा जल्दी, अस्थमा नहीं होगा, लंग डिजीज जल्दी नहीं होंगे, इसके बेनिफिट है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं वो सब चीज़, ठीक ना। अब आते हैं एक टॉपिक है, अब यहाँ देखिए, द डाटा पब्लिश्ड विद द मैप सोज AOD। अब AOD के बारे में थोड़ा समझिए कि आखिर ये AOD है क्या, ठीक ना। AOD क्या है, पूरा बात आप समझिएगा, ठीक ना। AOD का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बता दूँ, AOD का फुल फॉर्म होता है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ। क्या होता है, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ठीक है, समझिएगा। इस टेरा सेटेलाइट ने ऑब्जर्व किया, ठीक ना, देखा कि मतलब AOD मतलब क्या है, लेस देन 0.1 है, मतलब AOD लेस देन 0.1 है। इसका मतलब ये है कि एरोसोल मतलब इन्वायरमेंट में कम हो गया है, ठीक है, मतलब क्लियर एटमोसफेयर हो गया है, क्लियर एटमोसफेयर हो गया है, इसका मतलब वेटर विजिबिलिटी हो गया है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ इसमें, अगर AOD ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होगा, वेरी हैवी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एरोसोल रहता है, ठीक ना, ये समझिएगा। और AOD अगर लेस देन 0.1 हो जाए, मतलब क्लियर एटमोसफेयर है, विजिबिलिटी एरोसोल की मतलब एरोसोल कम है इन्वायरमेंट में, इसलिए हम लोग को इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा वातावरण है हमारे मतलब इन्वायरमेंट का, बहुत ज़्यादा वातावरण अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छा देख पा रहे हैं, हर जगह क्लीन क्लीन एकदम, देखिएगा सब कुछ देखिएगा, ठीक ना। ये हो गया AOD के बारे में, ठीक है, कहाँ के बारे में, AOD के बारे में। मैं अगर बात करूँ इस मैप की, तो इस मैप में आप देखिएगा कि जो भी आप एलोइश देख रहे हैं ना, एलोइश देख रहे हैं, ठीक ना, लॉकडाउन से पहले का अगर बात करें तो ये देखिए एलोइश है, ये सारे ना एयर क्वालिटी है, मतलब एरोसोल्स सब जगह हैं, ठीक है, एलोइस। अगर बात करें लॉकडाउन जब से हुआ, तो लॉकडाउन से जब से हुआ तो आप देखिए क्या एयर के क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ा है। देखिए एकदम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलोइस कितना ज़्यादा है, नीचे का पूरा घेरे हुआ है, देखिए कितना ज़्यादा एरोसोल्स कम गया है, एकदम एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आ गया है, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब ब्लू ब्लू हर जगह हो गया है, मतलब कितना क्लीन हो गया है, वेटर विजिबिलिटी हो गया है, एरोसोल का कमी हो गया है। तो देखिए पिक्चर्स शो डैट द नेशन वाइड लॉकडाउन इन इंडिया हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एयर क्वालिटी एरोसोल लेवल इन नॉर्थ इंडिया आर द लोएस्ट इन 20 ईयर्स अकॉर्डिंग टू नासा। 20 साल में पहली बार ऐसा देखा गया है। अगर मैं कुछ आपको रिलेट करूं, कुछ और मैप से आपको रिलेट करूं, तो आप 2016 में देख सकते हैं, 2016 में देख सकते हैं कि कितना एयर मतलब क्वालिटी मतलब हम लोग का बैड था, कितना एरोसोल से, जहाँ जहाँ एलोइश आप देख रहे हैं 2016 में, सब जगह आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सब जगह घेरे हुए है। फिर आप 2017 में देखिए कि कितना ज़्यादा घेरे हुए है, और बढ़ गया। 2018 का बात करें तो और बढ़ गया एरोसोल, ठीक है ना। 2019 में कम आ, ठीक है, 2020 का जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उस वक्त का, और अभी देखिए जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 6 मैप को के जरिए आपको दिखाने का कोशिश किया, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, ठीक है ना, ये दिखाने का कोशिश किया। अब ये अगर हम ग्राफ की बात करें तो देख सकते हैं द पॉल्यूशन ड्रॉप कैन बी सीन ऑन चार्ट। आप यहाँ देखिए 0.7 से ये देखिए
ये देखिए 0.6 पर, तो कितना ज़्यादा 2016 से 2019 तक था, धीरे 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 घट रहा है, अब देखिए कितना कम हो गया, ठीक ना, कितना कम हो गया। तो आप पढ़ सकते हैं, इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लॉकडाउन देयर वॉज ए ड्रॉप इन द एरोसोल लेवल्स, मतलब एरोसोल्स के लेवल्स में बहुत ज़्यादा कमी आया। हाउ एवर इट वॉज ए डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द चेंज वॉज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द पीपल स्टेइंग एट होम और जस्ट वेटर वेल। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, मैप फ्रॉम द नासा सोज हाउ द एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, जैसे कि मैंने समझाया कि ऑप्टिकल एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होता है, AOD ग्रेटर देन वन, मतलब वेरी हैवी एरोसोल का मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब रिड्यूस विजिबिलिटीज अच्छा से नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, और AOD लेस देन 0.1, मतलब क्लियर एटमोसफेयर वेटर विजिबिलिटी, ठीक है, ये सब होगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑप्टिकल डेप्थ मेजरमेंट ओवर इंडिया फ्रॉम 2016 टू 2020 बिटवीन मार्च 31 टू अप्रैल 5, द लास्ट मैप इन द सीरीज डब्ड एनोमली शोज हाउ द AOD 2020 कंपेयर्स टू द एवरेज बिटवीन 2016 टू इतना। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक ना, अब मैं आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है ना, सब कुछ। एक चीज़ और बताता हूँ इसी में, आप जब मार्च का बात करोगे ना, जब मार्च का बात करोगे, अगर 25 मार्च तक देखा जाए तो हमारा AOD क्या था, AOD 0.3 था, ठीक है, 0.3 था। अगर हम 1 अप्रैल का बात करते हैं तो हमारा AOD 0.2 था। अगर हम 5 अप्रैल का बात करते हैं ना तो 0.1 हो गया, मतलब अप्रैल में, मतलब एरोसोल हमारे क्लाइमेट में ज़्यादा था, 0.3 था, ठीक है, अप्रैल में एरोसोल हमारे क्लाइमेट में कितना था, 0.2 था 1 अप्रैल तक, ठीक ना। अब ये 4 दिन में ना और रिड्यूस हो गया। दूसरी बात ये आप समझिए कि अब अप्रैल में क्या होगा, समर आएगा, जिसके वजह से धूल कंकड़ सब ये होंगे, क्या उड़ेंगे, तो एरोसोल तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये 1 से 5 दिन में ना, 1 से 5 तारीख तक ना अप्रैल का 0 पॉइंट रिड्यूस हो गया एरोसोल, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैंने ये सारा चीज़ समझा दिया कि बेनिफिट है ह्यूमन बींग्स के लिए। अब पॉजिटिव वे इसका देखिए, पॉजिटिव अगर एसोसिएट का बात करते हैं तो वेटर हेल्थ इसके वजह से हो जाएगा ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज, मतलब हार्ट डिजीज इसके वजह से कम हो जाएगा, स्ट्रोक्स आएंगे नहीं, कम आएंगे, अस्थमा का पेशेंट कम जाएगा, ठीक ना, लंग डिजीजेज हो जाएगा, अगर ज़्यादा एरोसोल्स रहता है इन्वायरमेंट में तो लंग डिजीज बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँचाते हैं, तो आपको ये बात याद रखना होगा। आई होप गाइज मैंने सब कुछ आपको समझाने का कोशिश किया, आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।